नोएडा के रहने वाले राम प्रकाश वर्मा और उनकी पत्नी बहुत ही खुशहाल बुजुर्ग दंपति हैं। राम प्रकाश जी 76 साल के तो उनकी पत्नी विमला जी की उम्र है 70 साल। उम्र के इस पड़ाव पर दोनों का तालमेल भी खूब बैठता है। इस उम्र में भी दोनों के रिश्ते में खूबसूरती बरकरार है। 70 की उम्र में राम प्रकाश जी घर के काम में पत्नी का खूब साथ निभाते हैं। राम प्रकाश जी के परिवार में एक बेटा, बहू और दो पोते हैं। दो बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। राम प्रकाश जी रिटायर्ड हो चुके हैं और अब वो अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ बिताते हैं। मैं सवेरे उठ के कुछ तो इनकी बीमारी के वजह से घर का काम काज करना पड़ता है, उसके फिर कुछ मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, कुछ बाहर जाना पड़ता है सामान लेने के लिए या ऐसा, यही घर के कार्य में व्यस्त रहता हूँ जी। और उसके बाद में फिर मार्केट भी जाना है और बस इसी कार्य में दिन बीतता है जी। आने जाने में या कभी घूम टहल लिया, ऐसा कोई, क्योंकि रिटायर के बाद में ऐसा कोई हमारा ये नहीं है कि मुझे कहीं जाना, नौकरी करने जाना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। सर आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 75 साल में 2 महीने कम है जी। जनवरी में हो जाएगा 75 साल। तो विमला देवी जी, आपका सुबह से लेकर रात तक का क्या रहता है? आप तो एक घरेलू महिला हैं। सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ जी। उठने के बाद में फ्रेश होती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, ब्रश करती हूँ और फिर गर्म पानी गिलास करके अपना दवा खाती हूँ, थायराइड की दवा खाती हूँ जी। थायराइड की दवा खाती हूँ और 1 चम्मच अरसी खाती हूँ पीस के रखती हुई। आपकी उम्र कितनी है? मेरी होगी 65-70 लगा लीजिए जी। सर आपके घर में कौन कौन है आप दोनों के अलावा? मेरे घर में मेरी बहू है जी, मेरा बेटा है, और पोता है, पोती है। वो सब क्या करते हैं? पोता तो अभी तो दोनों बच्चे पढ़ ही रहे हैं और बहू वो हमारी जो है ये हॉस्पिटल में सर्विस करती हैं जी। बेटे की दुकान है मार्केट में। राम प्रकाश जी का परिवार संपन्न और खुशहाल है, लेकिन ये दौर बुढ़ापे का भी है जहाँ कई बीमारियाँ होती हैं। वैसे तो राम प्रकाश जी की पत्नी विमला जी को 2004 में ही अर्थराइटिस की शिकायत हुई थी और ये एक ऐसी बीमारी है जो गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जाती है। जब तक विमला जी के शरीर में जान रही वो इस बीमारी को बर्दाश्त करती रही। दवाइयों का सेवन वक्ती तौर पर राहत देता रहा, लेकिन जब उम्र गुजरी तो परेशानियां भी बढ़ी। घुटनों का हाल इतना बुरा हो गया कि डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट को कह दिया। हालांकि इस बीच कुछ ऐसी दवा और औषधि मिली कि ये नौबत आई ही नहीं। आइए जानते हैं। बीमारी मेरे को, मैं तो बहुत अच्छी थी, मेरे को संचार में तबीयत खराब हुआ, मैं गांव गई, तबीयत खराब हुआ, फिर मेरे को एडमिट करवाया हॉस्पिटल में तो अर्थराइट बता दिया और फिर जब से दवाई चालू है, पहले अर्थराइट थी उसके साथ में फिर धीरे 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 और बीमारियां लगती गई। तो कौन सी दवाइयां खा रही हैं आप फिलहाल? पहले तो मैंने इंग्लिश काफी देर तक इंग्लिश खाई थी, फिर मैंने टेलीविजन में सुना सुलेमान साहब का, फिर मैंने कई बार सुनती रही तो लोग कहते रहे ठीक हो रहे हैं, दवा दर्द कम हो रहा, फिर उनको टेलीविजन में देख कर हमें अनुभव लगा, फिर हमने फोन करके पूछा तो हमें एड्रेस बताया गया करोड़ बार, तो वहाँ से दवा लेके आए वो सिया वो, फिर हम पिछले जनवरी से खाना शुरू करा है। कितना आराम लगता है आपको? तो मुझे तो 1 रुपया में 75 पैसे आराम है। आराम है और फिर भी खाने पीने कभी नहीं परहेज कर पाती तो दर्द हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे मुझे आराम है, काफी आराम है जी। मैं भरोसा करता हूँ। भी गया जी। 2 साल के बाद में सबने यही कहा कि नी चेंज होगा, घुटने बदलने पड़ेंगे जी। सारी तैयारी कर ली थी। इस बीच में जो प्रोग्राम देखा सुलेमान खान साहब का,
तो मैंने कहा जब कई लोग कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर तय ऑपरेशन किया है तो रुक जाइए, जी, तो इतनी देर रुका ही था, क्यों ना थोड़ा सा और और रुक थोड़ा जाए। सा और रुकूं। तो जब हम कैप्सूल टी केयर खाए तो उस टाइम पे भी हमें ये विश्वास हुआ कि ये जो है इनको दवाई फिट बैठी है। अब उसमें ये था कि कैप्सूल जो है थोड़े होते हैं, मैं 20-22 जने कितने, और ये है ये 100 ग्राम, पहले 150 ग्राम की पैकेट आती थी, अब 100 ग्राम की हो गई है, फिर कम से कम ये 3 महीना चलता है, तो उससे एक तो सस्ती पड़ती है जी। और दवाई में कोई फायदा ही हो रहा है, नुकसान हुआ नहीं, इसलिए हम इसको लाइक कर लिए और जी। अपना लिए। राम प्रकाश जी भी बीपी और थायराइड की समस्या से परेशान थे। एक तरफ पत्नी की बीमारी तो दूसरी तरफ उनकी खराब सेहत। दवाइयां तो वो भी ले रहे थे, लेकिन वो दवाई साइड इफेक्ट ज्यादा और इलाज कम कर रही थी। हालांकि जब पत्नी को हकीम साहब के नुस्खों से ठीक होता हुआ उन्होंने देखा, तब उन्होंने भी यूनानी का रुख किया। मेरे को थायराइड एंड बीपी थी, तो बीपी और ये जो है थायराइड की दवाई तो हम सुलेमान खान साहब की खाते नहीं हैं, जी। पहले ना बताया ना कोई ऐसी बात ही नहीं थी। मुझे जुखाम का ऐसे ज़्यादा परेशानी थी, जो आपके सुलेमान खान साहब का जो यूनानी दवा है माजून आर केयर, वो मैं जनवरी 2021 से शुरू किया है जी। और उसमें मुझे काफ़ी फायदा है। जब सभी डॉक्टरी इलाज से राम प्रकाश और उनकी पत्नी निराश हो चुके थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, उस वक्त यूनानी इलाज पर यकीन करना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने फिर भी हकीम साहब के इलाज और दवाइयों पर यकीन किया। ये यकीन कैसे आया, आइए जानते हैं राम प्रकाश जी से। विश्वास ट्रीटमेंट ऐसा हुआ है कि जब हम टीवी पे इनका प्रोग्राम देखते थे तो जी, वहाँ पे फीडबैक भी आता था बिल्कुल कि मैं हकीम साहब, मैं बहुत आपकी आभारी हूँ, ये है, तरह तरह के लोग दुआ देते थे कि मैं इतना ठीक हो गए, मैं इतना ठीक हो गया। तो वो उसको कुछ सोचा भी सारे ही थोड़ी झूठ बोल रहे होंगे, तो जी, क्यों ना ट्राई करूँ। बिल्कुल तो मैं भी उसी फीडबैक को ही सुन करके और ट्राई किया, तो पहले कैप्सूल टी केयर ले आया मैं, दो डब्बी 3 डब्बी खाया। जी 3 डब्बी के बाद में फिर जब उसको देखा कि ये गोंद सिया आ गया है मार्केट में, उसका ज़्यादातर हकीम साहब जो है प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो कैप्सूल टी केयर छोड़ के हम गोंद सिया पे आ गए और तब से यही दवाई इनकी चल रही है। जी इसकी जांच इस तरह की करें कि एक आदमी अपनी जो कॉस्ट है इतनी हाई रखा हुआ है जी और दूसरा आदमी जो है उसका आने कोई परसेंटेज का सब मामले ही खराब कर दिया, परसेंटेज की कोई सीमा नहीं रही जी कि एक आदमी ये 1400 1500 1600 का दे रहा है और दूसरा आदमी 60 रुपये का या 100 रुपये का दे रहा है, तो इसका बात करना या इसका किसी से जोड़ मिलाना ठीक नहीं है, या वो गलत हैं या ये गलत हैं। तो मुझे ज़्यादा विश्वास आया सुलेमान खान साहब पे, जी इसलिए कि वो घरेलू नुस्खे भी बहुत बताते हैं जी और घरेलू नुस्खे जो आदमी बताता है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इस उनको इतना लोभ लालच नहीं है, नहीं तो घरेलू नुस्खे क्यों बताएं। बिल्कुल पीपली बताते, धनिया बताते, फलानी चीज, तमाम तरह की चीज़ें बताते हैं, आप वो खाइए, साथ में ये कहते हैं अगर इससे ना फर्क पड़े तो ये कैप्सूल ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने उन पर विश्वास किया। ये यकीन का सफर बढ़ता चला गया। राम प्रकाश जी ने दवाइयों को अपने घर के खास और करीबी सदस्यों को भी देना शुरू कर दिया। वो बताते हैं कि यूनानी औषधि अपनी बेटी दामाद को भी उन्होंने दी, जिससे उन्हें काफी फायदा पहुंचा। इसके अलावा वो अब तक ये नुस्खे और दवाइयां कई लोगों तक पहुंचा चुके हैं। मेरे बेटी को भी शिकायत है अथराइट के, उसको तो घुटना उठने ऐसे टेढ़े हो गए हैं, चल नहीं पा रही, काम चल पा रही है। उम्र कितनी है उनकी? वो है 45-50 की लगभग।
तो अभी कितना आपको लगता है कितना आराम है उनको गौंसिया से? वो तो अभी 4 महीने से खा रही हैं, लेकिन सूजन वूजन काफी कम हो गया और दर्द भी कम है। हमने मदद क्या, जो हमारे अपने खास हैं उनके लिए तो परचेज करके जी, जैसे बेटी है मैं दवाई ले आके कूट पीस के उसको ठीक करके दिया, बेटा ये खाना है। दामाद हैं उनको गले में के दिया, ये था फिर माजून आर के ले आके दिया, बताया बतेरों को जी। अब आपके पास पहुँचे या मैं जिसको भी बताता हूँ बड़े तसल्ली से, ये भाई करोल बाग में लिबर्टी सिनेमा से 5वां घर है हर्बल हाउस जी, बेसमेंट में सुलेमान खान जी की वहाँ फोटो लगी है, आप वहाँ जाएं और उनसे समझ लीजिए तो दवाई वहाँ से ले आइए। राम प्रकाश जी का मानना है कि वो लोग जो हर तरफ से निराश हो चुके हैं उन्हें सिर्फ एक बार यकीन के साथ हकीम साहब का नुस्खा जरूर अपनाना चाहिए। वो कहते हैं कि ये यूनानी नुस्खे थोड़ी देर से असर करते हैं लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको फायदा जरूर पहुंचाते हैं। लोगों को भला कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, काफी सामान रसोई में मिल जाती है, खरीदना नहीं पड़ता और फिर अपने सामने बनाते हैं, भरोसे का बनाते हैं कि भाई नकली नहीं है। बाजार में तो यही गोसिया पंसारी दुकान कई बार पूछवाया तो कोई 250 बोलता है, कोई 300 बोलता है और अच्छा नहीं, ये भरोसे की दवाई है इसको खाना। बड़ी बेटी को दिया और फिर छोटी बेटी निकालने लगी, मेरे हाथ में दर्द है, गाजिया वगाती है, उनको भी मैंने डेबी मंगा के पीस के दिया और करीब अब धीरे धीरे जैसे जैसे जो कोई बताता है मेरे दर्द है, हम तो यही बताते हैं कि भरोसे की खाओ, सबसे ज्यादा है कि कोई नुकसान नहीं करा। कोई करा कि आयुर्वेदिक दवा खाने से कितनी नुकसान हो जाती है, ये है वो है। हकीम साहब को लेकर के क्या कहें, वो अच्छे आदमी हैं जी और मेडिसिन जो बताते हैं, दवाइयां बताते हैं, सबका भला ही करते हैं जी। किसी किस्म का मैंने छलावा या कोई ऐसे बात नहीं देखी कि बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हों और फिर उसके बाद में वो सब, इसलिए मैं ज़्यादा, हकीम साहब अच्छे इंसान हैं जी। उनका जो प्रोग्राम में फीडबैक आता है, कई लोग ऐसा बताते हैं भाई साहब करके, वो भी कहते हैं आप मेरी बहन बन गई हैं जी। तो ये सब चीज़ें हैं, यही होती हैं विश्वास के लिए और क्या विश्वास जी। वैसे अच्छे इंसान हैं इतना ही कहूँ। तो आपको देखने वाले दर्शकों को यही है कि अगर आप सारी जगह से हार गए हैं तो एक बारी यूनानी मेडिसिन में ट्राई कर लीजिए, फिर आप अपने आप उस पे विश्वास करना शुरू करेंगे जी। ये मानते हैं कि थोड़ा देरी होता है लगने में लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यूनानी मेडिसिन को अपनाइए जिससे आपका कुछ भला हो। जिसको भी दर्द है, कहीं भी कमर में दर्द है या राइट की दर्द है तो ये दवाई जरूर खाना चाहिए, बहुत फायदा है। हमें तो संचार से मेरी तबीयत खराब है, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, लेकिन दवाई खाई मैं तो अब चल लेती हूँ और सूजन भी मेरे ख़त्म है और काफ़ी अच्छी दवाई है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। एक डिब्बी मंगाने से 3 महीना चलता है, सस्ती भी है, सब हर तरफ से फायदा है। राम प्रकाश जी और विमला जी लोगों के लिए मिसाल हैं, जो इस उम्र में भी एक दूसरे का भरपूर साथ निभा रहे हैं और उनके इस साथ को खूबसूरत बनाने में यूनानी का भी उतना ही हाथ है, तभी आज दोनों एक दूसरे के साथ हंसती खेलती जिंदगी गुजार रहे हैं।